कॉल नहीं उठाता है। हाँ, तुनिसा आत्महत्या प्रकरण में आज वाली पुलिस स्टेशन द्वारा आरोपी को दूसरी बार न्यायालय में प्रोड्यूस किया गया, दूसरी बार प्रोड्यूस किया गया और जांच कर रही पुलिस अधिकारी द्वारा न्यायालय से उसकी पुलिस कस्टडी मांगी गई। अभी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी प्रोग्रेस है, लेकिन बहुत सी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है, क्योंकि आरोपी सहयोग भी नहीं कर रहा है, साथी टाइप का है। इसलिए पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस कस्टडी मांगी गई, फिरियादी की माँ के तरफ से भी इंटरव्यूनर एडवोकेट अपीयर हुआ और सरकारी वकील ने जो दलील दिया वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसको कंसीडर करके माननीय न्यायालय ने आरोपी को पुलिस अभिरक्षा, 2 दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया। नहीं, अभी नहीं, फिरियादी के माँ से आरोपी की जो बातचीत हुई है, अभी उस बातचीत का के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है, और XYZ जो लड़की से पीड़िता की आत्महत्या के पूर्व में चैट किया गया था, वो जानकारी मिलने के पश्चात चैट को जब डिलीट किया गया, तो ऐसी क्या संदिग्ध बातें थी जिसको लेके आरोपी ने उसको डिलीट कर दिया, और आरोपी उस विषय में बता भी नहीं रहा है जांच अधिकारी को। उस चैट को रिकवर करके जो भी टेक्निकल प्रोसेस होता है उसको डिटेल में पढ़ के उसमें इन्वेस्टिगेशन करके तथ्यों की छानबीन के लिए माननीय न्यायालय ने पुलिस को 2 दिन का और समय दिया। क्या चैट था मालूम नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। कोर्ट में जो पेशी के समय मैंने वहाँ पे सरकारी वकील की दलील और पुलिस अधिकारी की दलील से सुना, वो जो तथ्य थे वो उसको मैंने आपको अवगत कराया। बाकी चूंकि मैंने रिमांड एप्लीकेशन डिटेल में पढ़ा नहीं, तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच।